युधिष्ठिर था। I think what I'll do is we'll just have a very casual discussion because we just have two people in, and then we will start the meeting. Chalel tula, sir. चालेल। I will take them in. अरे ओंकार आलाय. Should I take them in? अकरा वाजले ना, हो मला वाटतं। Let's okay. मॉर्निंग ओंकार. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. कैसा है बाबा? मजेत मजेत. ग्रेट. थॉट वी हैव आर सम ऑफ आर ओल्ड क्लाइंट्स देयर. मतलब चल लेट मी जस्ट गेट देम इन एंड देन वी कैन व्हेन न्यू पीपल ऐड इन वी कैन ऑलवेज स्टार्ट मीटिंग. सो हाउ इज लाइफ? हेलो मजेत. गुड. Any specific questions you want me to want us to take before we start the crypto or काही आहे का तुमच्याकडे cryptocurrency किंवा काय? So what are you trying to ask me? Crypto मध्ये invest करायच्या उद्देशाने म्हणतोस or what? हा, राईट राईट. कारण आता बघितले तर बरेच वॉलेट्स वगैरे अवेलेबल आहेत क्रिप्टो मध्ये, आणि मी एक ते वर्ल्ड म्हणून एक ऐकलं की तिथे आपल्याला इंटरेस्ट पण मिळतो त्याच्यावर, आपण जे इन्व्हेस्ट करू त्यावर. ओके, काय आहे ते? व्हॉट इज त्या संदर्भात? वर्ल्ड, VAULD, वर्ल्ड म्हणून आहे तिथे. आपण हा त्याच्यामध्ये आपण जे करा बायआउट केलं एखाद्या क्रिप्टो करन्सी, आणि त्याच्यात फिक्स डिपॉझिटची पण एक स्कीम आहे. म्हणजे तुम्ही तिथे FD पण बनवू शकता. तुम्ही आता समजा फॉर एक्झाम्पल 1 लाख रुपये टाकले, तर 1 लाखचे तुम्ही तिथे क्रिप्टो करन्सी बायआउट करा, आणि प्रत्येक क्रिप्टो करन्सीला वेगवेगळा इंटरेस्ट रेट आहे. आणि ती क्रिप्टो करन्सी FD म्हणून तुम्ही ठेवू शकता. फक्त मला आता एवढं माहित नाही की त्याचं शेवट अल्टिमेटली त्याचं फ्लक्च्युएशन होत असणार, कारण ते मार्केट ट्रेडेबल आहे 24/7 म्हटलं तुमची प्रिन्सिपल अमाऊंट. पण त्यावर त्याचं इंटरेस्ट त्यांनी दिलेलं आहे की तुम्हाला मंथली इंटरेस्ट आहे. आणि मॅम आता एक स्टेबल करन्सी आहे USDT म्हणून, जो हे आहे क्रिप्टो USD रिलेटेड, त्याच्यावर ऑलमोस्ट 12% इंटरेस्ट आहे त्यांचा. ओके ओके. ते एकदा तुम्ही तुमच्या एंडने तुम्ही एकदा जर त्याच्यात गो थ्रू केलं आणि लाईट थ्रो केलं तर बरं होईल. डेफिनेटली डेफिनेटली. ऍक्च्युली क्रिप्टो करन्सीचा वेबिनार वी आर प्लॅनिंग, सो इट इज डेफिनेटली ऑन आवर लिस्ट फॉर नाव. आणि त्याच्यावरती आपला पण अभ्यास चालू आहे. सो गुड टू यू गेव अस अ इनसाइट अबाउट हे वॉल्ट. माहित नव्हतं मला तरी. सो बट वी VAULD वॉल्ट एक वेगळा आहे. VAULD म्हणून आहे. वॉल्ट वॉल्ट. ओके अच्छा वॉल्ट. कृष्णकांत हाय. हाय हाय, हाउ आर यू? हा म्हटलं. सो बेसिकली आयडिया वॉज की वी आम्हाला सगळे ओळखीचे चेहरे म्हणजे ओळखीची नावं दिसत होती, तर म्हटलं पहिले सगळ्यांना घेऊया बिफोर न्यू पीपल कम इन. एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन तुला असे वाटतात दॅट आय नीड टू ॲड्रेस? बिकॉज टिपिकली बीन देअर फॉर मोस्ट ऑफ द प्रेझेंटेशन. नॉट दॅट मच, बट जस्ट इंटरेस्टेड इफ एनिथिंग समथिंग न्यू विल गॉट इट, दॅट्स वाय. मस्त, ठीक आहे. वी हैव टू मोर पीपल. गौतम, आई थिंक वी शुड स्टार्ट. सो आई थिंक वी विल स्टार्ट गाइस. वी आर स्टार्टिंग. वी विल टेक देम इन एंड देन वी विल. ओके, थैंक यू. सुनील सर, या हेलो. सुनील सर, आर यू एबल टू कनेक्ट? बिकॉज़ आई कैन सी योर प्रोसेसिंग. ऑडियो वगैरह सब ठीक है सुनील सर? नहीं, Amol, Sunil sir is having some technical issues. Okay. Hi. Deepesh. Hello. Hello, sir. So, yeah, without wasting further time, I would like to start the presentation. Welcome. Thank you so much that all of you were able to join. Let's be very informal about it. We just wanted to have an interaction with all of you because... As founders of the company, we thought that whatever knowledge we could or whatever questions a lot of investors have, we can try to address them.
सो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क अस इन द प्रेजेंटेशन, वी विल बी मोर देन ग्लैड टू एड्रेस इट. एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन इफ वी डोंट, इफ यू आर नॉट एबल टू एड्रेस, प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड हम उसके बारे में पूरा रिसर्च करके वी विल गेट बैक टू यू, बट विल नॉट गिव यू एनी फॉल्स और हाफ हार्टेड एक्सप्लेनेशन और आंसर. विद दैट लेट मी again welcome all of you. This is a presentation of about money matters, what we do, and we are very passionate about equity investing. So humne jo equity investing ke hisab se whatever solution we have come out with, which is successfully running right now, that I want to highlight in front of all of you. And then Amol will talk about fixed income opportunities, because fixed income market bhi bahut achi tarah se khul chuka hai. So we wanted to share that in this presentation. Before I proceed, I just want you to confirm, kya meri awaaz theek se aa rahi hai? Am I audible properly? Just tap, chat, yes in the chat box, so I know that I'm audible. Thank you, Shitish. Thank you so much. Great. Thank you, Itesh. Okay, great. So those of you who are new to us, we call ourselves Money Matters Asset Management House. Simply, hum financial planning karte hain. We are passionate, as I told you, about equity markets and equity investing. So we are very much into equity. Hamari koshish ya hamara aim ye hai that we design for, so we have a full-on research team. Complete 8 to 10 members in research who do full-time research, and we come out with solutions which I will be discussing in the presentation. So we completely believe in this concept of rule-based investing. आपने बहुत सारे तरीके सुने होंगे अभी तक, but we are totally focused on a rule-based investing. जिसके बारे में मैं थोड़ा आगे जाके आप सभी से, when we discuss about that solution, I will share more about that. Yes, we are also into mutual funds, we are also into insurance, life and general, fixed income, which Amol will share, and we do some structured investments in real estate, and we are also in a process of starting our own PMS. Yeah, we are partnered with NSE. We are the sub brokers or authorized person of Edelweiss, and also registered member with AMFI. Money Matters has our main office in Thane, Mumbai, Maharashtra, with branches in Navi Mumbai, then in Pune, Nasik, that's in India presence, and we are also having an international presence in Dubai. So we have our own office in Dubai, from where we cater to our clients in UK, US and Europe. This is about us. So topic mein jaane ke pehle, bahut sare logo ke mann mein equity investing ke bare mein bahut sawal hote hain. Excuse me, there is some problem with my sleep. Yeah, so yeah, just I will be the one who will be talking to you about equity and our offerings in equity. My name is Gautam Karanik, and I am the co-founder of Money Matters, for those of you who are seeing us for the first time. I'm a certified financial planner. I'm passionate into research and equity investing. That's something about me. Yeah, so these are, aaj bhi, matlab, hum itne saal, we are in this business for the past more than a decade, nearly completing 15 years now. बट आज भी हमारे हम जितने भी इन्वेस्टर्स या प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स से हम बात करते हैं, दिस आर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट, मतलब मार्केट का एक फेज है. एक्सक्यूज मी, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज बी ऑन म्यूट, बिकॉज़ देयर इज अ डिस्टरबेंस दैट आई कैन सेंस. थैंक यू सो मच. सो टिपिकली ये सवाल पूछा, मार्केट में फेज होता है, तो मार्केट जब लोगों को लगता है बहुत हाई पे है जैसा अभी चल रहा है, तो देयर इज ऑलवेज दिस क्वेश्चन कि ये रैली कब तक चलेगी, मार्केट तो अभी पीक पे है. डू यू थिंक इट्स टू रिस्की फॉर पीपल टू इन्वेस्ट इन दिस मार्केट, या अभी तो लगता है खत्म हो गया, अभी तो गिरने ही वाला है, तो आई डोंट नो व्हाट टू डू. हाउ मेनी ऑफ यू, स्पेशली द न्यू वंस हु हैव जॉइंड टुडे,
have this question in their mind or are basically questioning the market every now and then. किसके मन में ये डाउट है कि मार्केट का कुछ समझ में नहीं आ रहा है या मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें बहुत कंफ्यूजन होता है. ओ या दीप्तेश, इफ दैट्स हाउ यू प्रोनाउंस योर नेम, व्हाई विल आई वांट द रैली टू एंड, राइट? आई मीन आई विल नॉट, या जोक्स अपार्ट, वी आर इन अ गुड फेज ऑफ द मार्केट, मार्केट इज इन अ वेरी गुड फेज, सो लेट इट बी. मार्केट को करने दीजिए जो मार्केट को करना है. दीप्तेश, आपने शायद ये कभी देखा नहीं होगा, मैं आपसे एक दिस इज द स्लाइड विच आई ऑलवेज ट्राई टू शेयर विथ ऑल न्यू इन्वेस्टर्स और जो मार्केट में अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं उनको ये स्लाइड दिखाना चाहता हूँ. जैसा मैंने आपको बोला कि 1990 में जब मार्केट या सेंसेक्स का ये ग्राफ है, जब वो 1000 पॉइंट पे था, और आज ये 50-60 हजार क्रॉस कर चुका है. दीप्तेश, आज भी लोगों के मन में ये बेसिक सवाल है कि मार्केट क्या कर रहा है, या मार्केट का बहुत कंफ्यूजन है, या जब रैली होती है तो अभी बहुत पीक पे है. आपको पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट वी आर कॉन्फिडेंट एंड वी बिलीव वेरी स्ट्रांगली कि इट इज द इनहेरेंट नेचर ऑफ द मार्केट टू गो अप. मतलब हिंदी में, सिंपल लैंग्वेज में, मार्केट का ये मूल स्वभाव ही है ऊपर जाना. तो अभी वो उसके मूल स्वभाव के हिसाब से बिहेव कर रहा है, सो एंजॉय. आई मीन दैट्स द वे इट्स गोइंग टू बी. अगर आप इस चार्ट को देखेंगे, यू विल सी अ लॉट ऑफ, बट इसका मतलब ये नहीं कि नीचे नहीं जाएगा. अगर आप इस चार्ट को भी देखेंगे तो उसमें आप पाओगे कि बहुत सारे स्कैम्स हुए, बॉम्बे ब्लास्ट हुआ तब मार्केट क्रैश हुआ, वी हैड सत्यम स्कैम, देयर वाज सो मेनी स्कैम्स दैट हैपेंड हियर. वी आर करंटली फेसिंग अ पैंडेमिक, वी आर पार्ट ऑफ अ पैंडेमिक नाउ. अगर आप इस ग्राफ को बहुत क्लोजली स्टडी करेंगे डेटा के साथ, तो आप ये जानेंगे कि मार्केट ने हर समय कुछ ना कुछ रीजन ढूंढा ऊपर जाने का. यस, वी हैड डिफिकल्ट टाइम्स. अभी जस्ट टू एनालाइज, अब ये देखते हैं कि अभी पैंडेमिक, क्योंकि वो अभी हमारे सामने फ्रेश है, सबके माइंड्स में बहुत फ्रेश है. तो अगर आपने देखा होगा, तो सम ऑब्जर्वेशंस आई वांट टू पुट इन फ्रंट ऑफ ऑल यू, आई मीन ऑल यू फ्रेंड्स, कि जब पैंडेमिक, ये वर्ड मैंने तो नहीं सुना था ऑनेस्टली टिल 2019 तक, इतना रोज के अपने डिस्कशन में. बट हमने जब ये सुना, और एक नया शब्द हमने जब सुना, लॉकडाउन, देयर वाज अ लॉट ऑफ पैनिक एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया. एंड बिकॉज ऑफ द पैनिक दैट इफ यू सी कि मार्केट डिड गो डाउन, पर जब वो नीचे जाता है ना मार्केट, तो उसके पहले क्या ऊपर जा रहा था? बैंकिंग सेक्टर वॉज डूइंग वेरी वेल एंड सम अदर सेक्टर्स आर डूइंग वेरी वेल. सो बट व्हेन दिस हैपेंड, उसने क्या ट्रिगर लिया और किस चीज और कैसे ऊपर आया मार्केट? इफ यू सी, उसके बाद मार्केट को सपोर्ट मिला फार्मा सेक्टर से, या स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से, या आईटी सेक्टर से. क्योंकि आई मीन इन द पैंडेमिक मेडिसिन और द फार्मा सेक्टर इतना बूम में चला गया, जो पिछले उसके पहले 5 साल तक एकदम डल फेस था. इफ यू चेक एवरीथिंग अबाउट, आई मीन गो बैक बाई स्टैटिस्टिक्स, फार्मा वॉज नॉट डूइंग वेल एट ऑल, सो वॉज स्पेशलिटी केमिकल्स. मुझे नहीं पता है कि 2019 के पहले कितने लोगों के घर में सैनिटाइजर था, कितने लेडीज के पर्स में या हमारे वॉलेट्स में हमारे बैग्स में हम सैनिटाइजर रखते थे. आई डोंट थिंक एनीवन डिड दैट, राइट? और आज हम सब सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं. तो दैट वाज अ बूम फॉर द सेक्टर. टुडे वी आर डूइंग अ मीटिंग ऑन जूम. 2 साल पहले नो वन वांटेड टू मीट ऑन अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक जूम. दे ऑलवेज वांटेड टू डू अ मीटिंग इन पर्सन, बट दैट्स डेफिनेटली गिविंग अ बूस्ट टू द आईटी सेक्टर. सो मैं, इन शॉर्ट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि ये सारी हमारे आजू बाजू में होने वाली जो चीजें हैं ना, तो वही चीजों ने मार्केट को एक पॉजिटिविटी दी एंड इट स्टार्ट गोइंग अप. सो और मार्केट यही पॉजिटिव चीजें ढूंढेगा.
वो नेगेटिव फेज में जाएगा पर यही पॉजिटिव चीजें ढूंढेगा और वो ऊपर जाएगा. टू गिव एन आंसर टू द क्वेश्चन, अगर समझिए चलो मैंने ऐसा बोल दिया और सच में कल रैली खत्म हुई और कल नेगेटिविटी आई मार्केट में, तो क्या करें? पहले तो आप ये समझिए, आप ये मार्केट में अगर आ रहे हैं तो कम एज अ इन्वेस्टर एंड नॉट एज अ ट्रेडर. प्लीज कम एज एन इन्वेस्टर एंड हैव अ ड्यूरेशन ऑफ 5 to 7 इयर्स, बिकॉज भगवान ना करे, एंड ट्रस्ट मी आई एम नो वन टू प्रेडिक्ट कि कल मंडे को रैली खत्म हो गई है. लास्ट वीक वॉज अ नेगेटिव वीक, मार्केट नीचे नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अगले हफ्ते ऊपर नहीं जा सकता है. देर कैन बी एनीथिंग, एनी पॉजिटिव ट्रिगर विच कैन टेक द मार्केट अप. पर सच में समझिए कि मार्केट नीचे जाने लगा, ट्रस्ट मी डोंट पैनिक, हैव अ होराइजन. अगर आप कल एंटर कर रहे हो या आज एंटर कर रहे हो, हैव अ होराइजन ऑफ 5 to 7 ईयर्स एंड हैव सर्टन principles of investing and definitely you will come up. So that's the answer to the question. Let's not go in timing the market. Let's not think ki rally khatam hogi ki nahi hogi. Aap paise leke, aap invest karne wale ho, to aap samjhiye ki aap kitna paise leke aane wale hain aur kitna samay aap market mein rehne wale. Agar aapko lagta hai ki aapko 6 mahine mein paisa bahut zyada return kamana hai, and if you are not well equipped, not trained for it, I don't think you should come in the market at all. अगर आपको सही तरीके से पैसे कमाने हैं, please spend time in the market or invest for a decent amount, decent duration. Yeah, so another question that a lot of investors ask us ki, are there any new rules and regulations affecting the market? Definitely, definitely there are. देखिए, market is also evolving. SEBI and both, I mean SEBI, the regulatory body, and both are exchanges, which is Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange. बहुत सारे steps उठाते रहते हैं for the betterment of the retail investors like you and me. हम सभी को एक अच्छा experience मिले, हमें कोई तकलीफ ना हो, हमें कोई बोलते ना उल्लू ना बनाए, या हमें कोई खराब experience नहीं हो. उसके लिए SEBI is constantly monitoring the way markets are performing, जो भी हो रहा है हर एक कंपनी में या सिस्टम में. और अगर उनको कुछ लगता है कि उनको कुछ चेंज करना है, definitely they will make some required changes, something which I have been observing. So, but हर एक चेंज का आपके returns पे positive या negative इफेक्ट हो सके, या कोई कोई रूल्स का शायद आपको फर्क भी ना पड़े, बट यस डेफिनेटली देयर विल ऑलवेज बी इफेक्ट ऑन योर पोर्टफोलियोज इन द शॉर्ट टर्म. वेरी नेगेटिव पोर्टफोलियो, आई मीन वेरी नेगेटिव, कैन यू कैन सी समथिंग गोइंग वेरी नेगेटिव फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन, बट व्हेन द मार्केट सेटल डाउन, अगेन वही बात, मार्केट का मूल स्वभाव ऊपर आना है, सो इट विल फाइंड द रीजन टू कम अप. इट्स जस्ट दैट योर पोर्टफोलियो नीड्स टू बी अडैप्टिव इन सच अ वे. Just to give you some example, around 2018, SEBI came with this rule of categorization and rationalizing of mutual fund. In simple language, mutual fund, बहुत सारे अलग-अलग schemes में हुआ करते थे. एक mutual fund company में बहुत सारे अलग-अलग schemes होते थे, but majorly they would invest their money in large cap. कभी-कभी बोलते थे कि हम large और mid में invest करेंगे, और majorly investment होती थी large cap में. तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप लार्ज कैप बोल रहे हो, अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप बोल रहे हो, और आप सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो, देन इट्स नॉट अ राइट आइडेंटिफिकेशन फॉर द क्लाइंट्स और द कस्टमर्स. सो प्लीज कीप वन नेम, प्लीज हैव अ क्लियर कैटेगराइजेशन, ताकि हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को कंफ्यूजन ना हो. उसकी वजह से लॉट ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैड टू सेल देयर पोजीशंस इन मेनी कंपनीज. नाउ ट्रस्ट मी, म्यूचुअल फंड इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री, दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. तो ये जब चेंज सेबी ने कहा, तो उस चीज से स्टेबल होने के लिए मार्केट को 6 से 8 महीने गए. सो उसमें बहुत सारे पोर्टफोलियोज नीचे ऊपर हुए. Again, a welcoming change for investors or traders rather was introducing of weekly contracts. ये technical है, मैं simple बताना चाहता हूँ कि पहले futures and options में जो contracts हुआ करते थे, they used to be majorly monthly.
But now they have also introduced weekly contracts for securities like Bank Nifty and Nifty. Idea simple hai, jitne zyada log, jitne zyada contracts, utna zyada volume, jitna zyada volume, utna zyada penetration. Is logic se unhone ye kiya hai, which definitely was a welcoming step, and markets upar gaye. One thing which I thought could make a very big change, एक सितंबर को एक रूल आया था कि कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट साइजेस मतलब देयर विल बी सम रूल्स इन द मार्जिन स्ट्रक्चर. टेक्निकल है, कुछ नहीं हुआ मेजरली, नथिंग मेजर हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट. सो टू सम अप दैट क्वेश्चन, येस देर आर लॉट ऑफ रूल्स दैट कैन चेंज द योर इन्वेस्टमेंट फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन, बट डोंट अगेन यू डोंट हैव टू पैनिक. Be in the right system and you will definitely make money. I will discuss about what we do to tackle these situations in the next few slides. Next interesting question that we get from a lot of investors ki kya hame, there are many big investors that you see in the market. You may have heard of Mr. Warren Buffett, Rakesh Jhunjhunwala ji, or Jesse Livermore. I don't know if Jesse Livermore aapne suna hai. But these are pioneers in the investing field, I get a lot of questions saying that is it advisable to follow these big investors? Let me just highlight some qualities of these investors. What are some of their key principles that they follow? Warren Buffett ji kehte hain that invest in what you understand. Invest in a productive asset. Cash is a bad investment. Too much diversification is not good. Avoid herd mentality. Ab kaisa hai na ki I will be also sharing some principles of Rakesh sir and also of Jesse Livermore. The summary of this point is that ki it's very difficult to follow these people completely 100%. और अगर आप उनसे उनकी इंटरव्यू सुनेंगे या उनकी बातें सुनेंगे ना, दे ऑलवेज से दैट, दे ऑलवेज बिलीव दैट लुक दिस इज व्हाट वी हैव डन, ये हमारे पर्सनालिटी को फेवर करता है या हमें हमारे एक्सपीरियंस से हमने ये सीखा है कि दिस इज व्हाट यू शुड डू और दिस इज व्हाट वी डू. बट दे नेवर आइडियली से कि आप हमें वैसे ही फॉलो करो. दे हैव ऑलवेज टोल्ड अस दैट please take the good things from us, because you know, just to give you an example, if you follow Mr. Buffett completely, I mean, do you think Mr. Buffett has not made mistakes? I have recordings of Mr. Buffett transparently sharing in big conferences ki unhone bhi galti ki hai. He owned a lot of airline stocks of airlines operating in America. Most classic example is Southwest Airlines that he used to hold, and he had told that he had to sell that portfolio in loss. Now what I'm trying to tell you is ki jo unko jamega na shayad humko puri tarah se nahi jame, because I don't know, but when I meet a lot of investors, unka logic ye rehta hai ki they want to see the best in their portfolio, but don't want to see the world. I mean, don't want to see bad times or tough times in a portfolio. What I have learned from these people is that friends, you have to see good days and bad days if you want to be in this market and if you want to make returns above your bank FD. That's the whole logic, right? Humko हमारा फोकस ही है कि बैंक इंटरेस्ट्स आर गोइंग डाउन एंड वी नीड अ रिलायबल ऑप्शन एंड पीपल आर स्टिल डाउटिंग द स्टॉक मार्केट एज अ रिलायबल ऑप्शन. सो आई वांट टू टेल यू कि स्टॉक मार्केट इज अ वेरी रिलायबल ऑप्शन एंड दीज आर. सो इवन वॉरेन बफेट मेड मिस्टेक्स, इवन राकेश सर हैज मेड मिस्टेक्स व्हिच ही कीप्स ऑन टॉकिंग इन मोस्ट ऑफ हिज programs that he has done on TV. But these are some principles that he believes in. भाव भगवान है,
don't borrow and invest. So yeah, that's one very important principle. Whenever we are talking to our clients, whenever we ask them how much money you are investing, and if people say ki main personal loan lu kya to invest, if this is so great, whatever you're sharing, I always tell them, don't do this. Personal loan leke ya koi bhi loan leke invest karna is not advisable at all. So please don't get into this. And Jesse Livermore, one of the biggest investors in the US, bahut logon ne inka naam nahi suna hai. So just to give you, so before I introduce what we do in equity, so humne bhi ek model create kiya hai, main jo aapko pehle bata raha tha. We believe in a model called rule based investing. Aaj investing mein bahut maine jaise aapko kaha, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग देयर आर मेनी 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 ऑप्शंस, मेनी मेनी ऑप्शंस टू इन्वेस्ट. आई मस्ट हैव एटलीस्ट गॉन थ्रू 2000 डिफरेंट मेथड्स बिफोर कमिंग विद दिस मॉडल ऑफ इन्वेस्टिंग दैट वी कॉल रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग. व्हाई वी बिलीव इन रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग इज जस्ट टू गिव यू अ स्मॉल एग्जाम्पल, न्यूटन्स थर्ड लॉ. अगर आप सबको पता होगा, स्कूल में हमने सीखा है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. कोई मुझे ये नहीं बोलेगा इन दिस वेबिनार दैट नहीं नहीं हमने अलग कुछ सीखा है, राइट? द रूल इज अ रूल. एंड हमने रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग को सिस्टम ओरिएंटेड किया है बिकॉज वी बिलीव दैट सिस्टम्स, आई मीन पीपल मे फेल बट सिस्टम्स डोंट, इज व्हाट वी बिलीव. दैट्स आवर टैगलाइन. सो बेस्ड ऑन दैट वी केम आउट विद दिस ऑप्शन कॉल्ड फोकस 20. इट्स अ rule based system oriented equity investing option. This completely believes in investing in cash markets. Matlab aapke stock kharide jayenge. So what have we done? From all the study that I have shared with you, from all the things that we believe in, that the market's inherent nature is to go up, and yes, there are so many big leaders to show us the right way. So humne we have, so imagine कीजिए that we have created around 200 plus parameters which help us to select a stock. अगर हम इसको manually करने जाए तो probably हमको 6 महीना लगे even 10 stock को research करने के लिए. So what we have done is we have made an algorithm of those rules that we have tested in all market conditions. हमने हर एक रूल को मार्केट के 20 साल के हिस्ट्री से टेस्ट किया है, और जो रूल हमको इफेक्टिव पाया गया, हमने उस रूल को हमारे सिस्टम का एक पार्ट किया है, और हम आज भी उस सिस्टम को टेस्ट करते रहते हैं टू सी वेदर द रूल इज वर्किंग और नॉट. उसके बाद हम उस सिस्टम को या हम उस रूल रूल को हिज एल्गोरिथम में डाल देते हैं. एंड लेट्स इमेजिन कि आप, हेलो, या सो हम उसमें डाल देते हैं. वी कॉल इट फोकस 20. इट बेसिकली बिलीव्स इन 3 principles. दिस 3 principles आर बाय राइट, एग्जिट स्मार्ट, एंड दैट्स हाउ यू मेक मनी. तो इन अ नटशेल, और जस्ट टू समराइज एंड टेल यू व्हाट वी डू, इस रूल्स को एल्गोरिथम में डाल दिया. आपका अकाउंट हमने एडलवाइज में ओपन किया बिकॉज द एवरी ऑल द सिस्टम इज लिंक्ड विद आवर एडलवाइज प्लेटफॉर्म. There, the day your money or the day your account is opened and your money goes in the account, we run the system for you specifically. और उस दिन हमें जो performing 20 stocks मिलते हैं, उन 20 stocks को आपके account में equal quantity या 5-5% के allocation से buy किया जाता है. हम कोई भी इसमें ये नहीं रखते कि भाई ये stock अच्छा है तो इसमें हम और ज्यादा करेंगे. उसका भी एक सिस्टम बना दिया है कि 5% इज एलोकेटेड टू ईच एंड एवरी स्टॉक. दैट्स हाउ 20 स्टॉक्स आइडेंटिफाइड. दैट्स वेयर द नेम केम, फोकस 20. अब ये तो हो गया बाय राइट. उसके लिए तो हमने एल्गोरिथम बना दिया, उसके लिए तो हमने सिलेक्शन के पैटर्न बना दिए. हमें लगता है दैट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द प्रोसेस. वेरी इंपॉर्टेंट इज टू कीप ऑन मॉनिटरिंग दैट पोर्टफोलियो, ताकि अगर कुछ challenges ho to we are able to address those challenges. So how do we do that is that
इमेजिन करिए कि हमने आपका एक स्टॉक 100 रुपीज पे लिया है, तो हम उसका 85 पे स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं। अगर भगवान ना करे उस दिन मार्केट में कुछ उथल पुथल हुई और मार्केट नीचे आया, वो स्टॉक भी नीचे आया, देन वी एग्जिट एट 85 एंड वी आर एट अ लिमिटेड लॉस एंड वी देन अगेन स्टार्ट द सिस्टम नेक्स्ट डे। अगर कोई नया स्टॉक आता है, वी इन्वेस्ट दैट मनी इन द न्यू स्टॉक एंड द जर्नी कंटिन्यूज। टू शेयर द गुड नोट, समझो हमने 100 रुपए पे स्टॉक खरीदा था, 85 पे स्टॉप लॉस रखा था, पर अगले दिन वो स्टॉक 120 पे गया, तो देन द स्टॉप लॉस इज चेंज्ड और इज मॉडिफाइड फ्रॉम 85 इट गोज टू 100। द स्टॉक नेक्स्ट डे गोज टू 140। आई एम जस्ट गिविंग यू अ जर्नी इन शॉर्ट ताकि आपको अंदाजा आए कि हम क्या करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। Next day, the stock goes to 140. The stop loss is again revised from 120. Sorry, from 100, it goes to 120. Then the stock goes, let's say it goes to 170. The stop loss is revised at 150. Bhagwan na kare, agar is samay kuch market mein, there is a challenge in the stock, kuch pressure aaya us stock mein ya market mein, aur wo stock niche aaya, to 150 mein the position gets sold off. And we have still made a profit. We are still in the stock from 100 to 150. So that's how we. Yeah, that's how we remain in the stock invested. क्योंकि हमारा ये विश्वास है कि हम जब किसी stock में invest करते हैं ना, we don't define a target. जैसे typically लोग बोलते हैं कि भाई 20% profit हो गया निकल चलते हैं, या 30% हुआ तो अच्छा है, why don't we exit? We believe that अगर stock को ऊपर जाना है ना, तो there is no ceiling. Sky is the limit. It can go as much as it wants to go. We don't believe in trading in your portfolio. हमको खरीद के बेच के हमारा brokerage increase करने में कोई interest नहीं है. We want to genuinely build a portfolio which is dynamic in nature, which is not कि हमने एक बार rule बना दिया और छोड़ दिया. इसको हर रोज monitor किया जाता है और इस तरीके से इसको मॉनिटर किया जाता है। आगे जाके जब किसी स्टॉक का स्टॉप लॉस या टारगेट हिट होता है, अब आप कहेंगे कैसे, क्यों हिट हो सकता है? सो देयर आर टू रिस्क्स वंस यू इन्वेस्ट इन अ स्टॉक। वन कैन बी अ मार्केट रिस्क। स्टॉक तो अच्छा है, बट मार्केट में ही कुछ मतलब गवर्नमेंट का कुछ रूल आया, या देयर इज अ वॉर आउटसाइड, सो ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी अ प्रेशर इन द मार्केट। अगर उससे उसके वजह से अगर पूरा स्टॉक मार्केट नीचे आना है, तो आपका अच्छा स्टॉक भी नीचे आएगा। सो वी डोंट वांट टू बी एट अ सिचुएशन वेयर यू आर एट अ वेरी बिग लॉस, सो वी कम आउट ऑफ दैट। एंड अगर मार्केट बहुत ज्यादा बेरिश या नेगेटिव ट्रेंड में है, तो वी विल रिमेन ऑन कैश, वी विल नॉट बी इन्वेस्टेड जस्ट बिकॉज वी वॉन्ट टू इन्वेस्ट। द सिस्टम हैज अ ग्रेट पोटेंशियल ऑफ ट्रिगरिंग एग्जिट्स ड्यूरिंग अ वेरी, अगर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है मार्केट में, द सिस्टम में ट्रिगर, वी हैव सीन दैट। मैं आई एम टॉकिंग टू यू विद अ लॉट ऑफ डेटा विच इज समथिंग फॉर यू टू एक्सपीरियंस, एंड आई वेलकम यू टू बी अ पार्ट ऑफ फोकस 20, क्योंकि ये एक्सपीरियंस करके ही होगा। आई कैन टेल यू, आई कैन वाउच फॉर इट दैट बिफोर द पेंडेमिक और बिफोर द लॉकडाउन व्हेन देयर वाज अ फॉल, द सिस्टम हैड ऑलरेडी ट्रिगर्ड एग्जिट इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी। We did not know what was happening, but we just followed the system. That's one thing we do. We don't question the system because, as I told you, people may fail, systems don't. And even I believe that I may take a wrong decision at times, but we've made a system which is being tested and which is fairly robust. So, उन्होंने बोल दिया, system ने कहा हमको exit करना है, we exited. And that's how we make money. This is, I understand everyone needs to know what kind of returns can we expect. This is what is being the journey for anyone who has invested with us for the past 5 years. The average return that an investor I have seen making, actually this is the high end of it. I have seen people making anywhere in the range of 18% to 27%. Anyone who's been with us for the past 5 years, I have to add 21 ka slide maine add nahi kiya hai statistics, but till 5 साल तक, मतलब हमने डेटा 2020 दिसंबर तक किया था, तो जो भी हमारे साथ 5 साल तक रहा है, जब एंड वी कंपेयर आवरसेल्व्स विद निफ्टी 500, तो निफ्टी 500 हैज मेड अराउंड 11% एवरेज रिटर्न इन द पास्ट 5 इयर्स, एंड वी हैव बीन एबल टू जनरेट रिटर्न ऑफ एनीवेयर बिटवीन 18 टू 27% फॉर आवर क्लाइंट्स
in that much duration. This is just a sample portfolio. This is a live portfolio of a client who started the journey with a capital of 3 lakhs. Please just see the stocks. I'm not, if you see, there are some stocks which are down. There are some stocks which are even up. I'm happy to share ki jis din humne ye portfolio ka snapshot liya tha, us din we already had a multi-bagger. If you see, Lakshmi Organics has just crossed, had that day crossed more than 100%. And that's what I want to share. I have absolutely no problem sharing jis kisi ka client ka humko approval hai portfolio share karne ka, we share the portfolio. One more note, please don't take this as a tip for you to invest. These are just portfolios, live portfolio of clients, which I wanted to share with you. Agar kisi ko iske bare mein koi questions hai, sawal hai, I will be more than glad to take those questions now. So we take a minimum investment of 3 lakhs for to start your portfolio in your name. It's an equity, pure cash portfolio that's being run for you. If you have any questions, I'm open for any questions. Anyone wants to put any question on chat? I've kept the chat open as well. Rohit ji, any question? Not a problem. I'll give you some time to think. Agar kuch sawal hai, I'm right here for all of you. For next part of the presentation. So the system is yours or Edelweiss's system? Good question, sir. So system is completely made by us. Edelweiss, Rohit ji, hum sirf unka platform use karte hain. क्योंकि होता यह है सर कि अभी हमारे सिस्टम में वी हैव क्लोज टू अराउंड 392 प्लस क्लाइंट्स. तो सीन यह है कि हमको हर एक के अकाउंट में उसी समय ऑर्डर ट्रिगर करना होता है. तो एक बल्क ऑर्डर का सिस्टम या एक ही सिस्टम मॉनिटर करने के एंगल से हमने एडलवाइज से टाई अप किया है. दे गेव अस ऑल दोस प्लगइन्स दैट वी रिक्वायर टू रन द सिस्टम. बट द रिसर्च इज नॉट ऑफ एडलवाइज. मैंने पहले ही बोला था, अगर आप उस पार्ट में नहीं थे, ये रिसर्च विच इज डन फॉर फोकस 20 इज कम्प्लीटली डन फॉर अस, सॉरी, डन बाय अस, बाय माय टीम एट मनी मैटर्स. या कृष्णकांत, यू आस्क फोकस 20 एज स्टिल हैव मिनिमम 10 लैक्स. यस, फोकस 20 एज इज अ पोर्टफोलियो वेयर वी हेज. क्योंकि देखिए, अगर आपने देखा होगा कि हम सिर्फ कैश में इन्वेस्ट करते हैं, सिंपली इसका मतलब यह है कि आपका स्टॉक का वैल्यू अगर ऊपर जाएगा तो ही आप पैसे बना पाएंगे. तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क कि अगर बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है मार्केट तब क्या होगा. तो हम क्या करते हैं, इन दैट केस वी टेक अ पुट इन योर अकाउंट. तो एक पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए वो 10 लाख का पुट होगा, तो हम 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट के साथ उसको पुट का एक कॉन्ट्रैक्ट हेज करते हैं. तो इसीलिए द साइज ऑफ द पोर्टफोलियो और द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 10 लाख फॉर दैट पर्टिकुलर पोर्टफोलियो. थैंक यू फॉर द क्वेश्चंस. आई एम स्टिल हियर. आई विल कम इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन. आई वॉन्ट टू पास ऑन द बैटन टू अमोल, हु विल गिव यू information about the fixed income market. Thank you. Over to you, Amol. Hello. Yeah. Thank you, Gautam. Welcome. My screen. Hello. Yeah. Am I audible? Yes, you are. Okay. Okay. So, yeah, before you start, sorry, Krishnagan had a question on chat. I'm so sorry. Krishnagan, yes, if the portfolio crosses 10 lakhs, it is eligible for Focus 20 Edge. Thank you for that question. Okay. Continue, Amol. Yeah. So thank you all for coming on this Sunday morning for our webinar. Gautam ne equity ke bare mein kafi vistar mein bataya. And today I will like to talk about the fixed income opportunities. I'll straight away start with my presentation.
So basically, fixed income, as we all know it, ये सारे प्रोडक्ट्स है, बैंक एफडीज में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करते हैं, पीपीएफ, एलआईसी. 90-95% ऑफ इंडियंस आर स्टिल इन्वेस्टेड इन ऑल दीज प्रोडक्ट्स. आज भी अगर हम देखेंगे तो सिर्फ 5% से 6% ही लोग इक्विटी में इन्वेस्टेड है और 95% लोग फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टेड है, जहाँ पे रिटर्न्स आज एनीवेयर इन द रेंज ऑफ 5-6% है. तो टुडे वी आर हियर टू डिस्कस कि इसके अलावा और कोई अपॉर्चुनिटीज हमारे पास है जो हमको इससे बेहतर रिटर्न्स दे फिक्स्ड इनकम में. फिक्स्ड इनकम जैसे कि हम जानते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेट प्रोडक्ट्स और डेट इंस्ट्रूमेंट्स, और उसको दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में. लॉन्ग टर्म में वी हैव द बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे. दैट इज वन अपॉर्चुनिटी दैट वी वॉन्ट टू डिस्कस विथ यू टूडे. और दूसरा, मीडियम और शॉर्ट टर्म में देर आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें कंपनी एफडीज होते हैं, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं, रिपर्चेस अग्रीमेंट्स होते हैं. सो टूडे वी आर गोना डिस्कस अबाउट द बॉन्ड मार्केट्स, जिसमें हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और प्राइवेट सेक्टर बॉन्ड्स, पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे. बॉन्ड मार्केट्स टिपिकली दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज द प्राइमरी मार्केट, जैसे कंपनीज इक्विटी में पैसे रेज करते हैं, थ्रू इक्विटीज रेज करते हैं अपना शेयर होल्डिंग या ओनरशिप लोगों को दे के वो डेट के थ्रू भी पैसा रेज करते हैं प्राइमरी मार्केट्स में. जैसे आईपीओज होते हैं इक्विटी मार्केट्स में, वैसे सिमिलरली बॉन्ड मार्केट्स में भी आईपीओज होते हैं. फर्क सिर्फ इतना ही है कि बॉन्ड मार्केट्स में जो होलसेल मार्केट्स है उसमें बड़े इन्वेस्टर्स या एचएनआई क्लाइंट्स या इंस्टीट्यूशंस ही इन्वेस्ट कर सकते हैं. वहाँ पे टिकट साइज मिनिमम 1 करोड़ होता है या 5 करोड़ होता है. रिटेल पार्टिसिपेशन अभी भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड है. डिबेंचर्स डेफिनेटली है, एनसीडीज जो आते हैं जो रिटेल सेगमेंट के लिए ओपन है, लेकिन जो होलसेल बॉन्ड्स है, जो स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड बॉन्ड्स है या सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स है या बड़े पीएसयू बैंक्स या परपेचुअल बॉन्ड्स है, वो होलसेल बॉन्ड्स ही होते हैं जहां पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही इन्वेस्ट कर सकते हैं. दूसरा पार्ट है बॉन्ड्स में सेकेंडरी बॉन्ड मार्केट्स. सेकेंडरी बॉन्ड मार्केट्स में टिपिकली बॉन्ड्स जहां पे ट्रेड होते हैं, सेकेंडरी बॉन्ड मार्केट्स में बॉन्ड्स ट्रेड होते हैं बेसिकली. सो प्राइमरी मार्केट्स में एक बार आईपीओ होने के बाद, जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस है एनएससी और बीएससी, वैसे ही बॉन्ड्स के लिए ही बीएससी और एनएससी में डेट बॉन्ड मार्केट्स है, जो सेकेंडरी मार्केट्स जिनको हम कहते हैं, और वहां पे ये होलसेल और रिटेल बॉन्ड्स ट्रेड होते हैं. हालांकि रिटेल पार्टिसिपेशन अभी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है इसमें. प्रीवियसली सिर्फ FIIs या institutions या HNIs ही यहाँ पे ट्रेड करते थे. विद द रूल्स एंड रेगुलेशन चेंजिंग, सेबी अभी काफ़ी कोशिश कर रहा है कि रिटेल पार्टिसिपेशन इसमें बढ़े. प्रीवियसली सेकेंडरी बॉन्ड मार्केट्स में मिनिमम लॉट साइज था 1 करोड़. सो आपको अगर होलसेल बॉन्ड्स बाय करना है सेकेंडरी मार्केट्स में तो मिनिमम 1 करोड़ का आपको टिकट साइज होना था, चाहिए था. अभी 2 साल पहले या 3 साल पहले मिनिमम 10 लाख का होलसेल बॉन्ड आप सिंगल बॉन्ड खरीद सकते हैं. रिटेल बॉन्ड मार्केट्स में डेफिनेटली आज पहले भी अलाउड था और आज भी आप बॉन्ड खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं. दिस इज जस्ट टू गिव यू एग्जांपल. आज जो एनएससी पे या बीएससी पे जो ट्रेड हो रहा है और मार्केट कैप क्या है, इन 2021 अगर आप देखें तो 97 लाख करोड़ इज द मार्केट कैप ऑफ द बॉन्ड मार्केट दैट आर ट्रेडेड. एवरेज आप ट्रेड अगर देखें, डेली एवरेज ट्रेड, तो करीबन 1700 करोड़ था इन 2019-20. 2021 का डेटा पूरा ही नहीं है. और नेट ट्रेडेड वैल्यू पूरे साल का आप देखें तो करीबन, आप रेंज देखेंगे तो 5 लाख करोड़ के करीब है. सो दिस इज द काइंड ऑफ वॉल्यूम जो सेकेंडरी बॉन्ड्स में ट्रेड हो रहा है. एक हमने बेसिक एनालिसिस किया है यहाँ पे कि फिक्स डिपॉजिट्स जहाँ पे मेजरली लोग इन्वेस्टेड है, फिक्स डिपॉजिट्स बैंक के है या कंपनीज के है, विस बॉन्ड्स जो कॉरपोरेट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सेक्टर या पीएसयू बॉन्ड्स हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं. सेफ्टी की अगर हम बात करें तो सिक्योर्ड बॉन्ड्स डेफिनेटली आर बॉन्ड्स आर मोर सिक्योर्ड. अगर हम सिक्योर्ड बॉन्ड्स में जाएंगे, एफडीज जैसा कि आप जानते हैं दे आर अनसिक्योर्ड इन नेचर.
पहले गवर्नमेंट की तरफ से 1 लाख तक का इंश्योरेंस अवेलेबल था, जो अभी 5 लाख कर दिया है। सो आपके एफडीज पे इंश्योरेंस, आप कहीं कोई भी बैंक में इन्वेस्टेड है, एफडी है आपकी, तो 5 लाख तक ही आप इंश्योर्ड हो। उसके आगे जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है एफडी में, वो अनइंश्योर्ड है और अनसिक्योर्ड है। सो हियर बॉन्ड्स मेक मोर सेंस देन एफडीज। लिक्विडिटी की बात करें तो डेफिनेटली एफडी में मैच्योर एफडी में विड्रॉल काफी इजीली हो जाता है। बॉन्ड्स में लिक्विडिटी, रिटेल पार्टिसिपेशन अभी बढ़ रहा है, उस हिसाब से लिक्विडिटी भी धीरे धीरे बढ़ रही है। प्रीवियसली लिक्विडिटी बहुत कम थी बॉन्ड मार्केट्स में, बट येस हम लोग ये कह सकते हैं कि हमको बॉन्ड्स अगर सेकेंडरी मार्केट में बेचना है तो हम डेफिनेटली 1 वीक में या 2 वीक में हमारे बॉन्ड्स इजीली बेच सकते हैं। वो शेयर्स की तरह डेली ट्रेड में हम बेचने जाएंगे तो उसमें लॉस हो सकता है। सो अगर पेशेंटली हम बॉन्ड्स सेकेंडरी मार्केट में बेचें तो 1 वीक या 2 वीक में उसको बेच सकते हैं। रिटर्न्स और बॉन्ड्स का रिटर्न्स इज मच मोर हायर देन बैंक एफडीज करंटली। क्रेडिट रेटिंग बॉन्ड्स को इट इज कंपल्सरी बाय द एक्सचेंजेस एंड बाय सेबी रूल्स कि उनको रेटिंग करना जरूरी है कि वो ट्रिपल ई रेटेड है, डबल ई रेटेड है, बी रेटेड है या वॉट एवर। बैंक्स के एफडीज को देर इज नो रेटिंग्स एट ऑल। सो यू जस्ट लुक एट द बैंक की कैसा है और उस हिसाब से आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। देर इज नो थर्ड पार्टी रेटिंग दैट इज बीन डन फॉर द एफडीज। टैक्सेशन दोनों के लिए रूल सेम है, जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा बॉन्ड से या एफडी से दैट इज टैक्स एज पर योर स्लैब। टीडीएस, गुड पार्ट इन बॉन्ड्स इज कि आप डीमैट में ही ये बॉन्ड्स ले सकते हैं, और डीमैट में बॉन्ड्स अगर आप लेते हैं तो देर इज नो टीडीएस ऑन द इंटरेस्ट। एफडीज में आपको अगर 15H फॉर्म या 15G फॉर्म नहीं देते तो बैंक विल कट योर टीडीएस ऑन द इंटरेस्ट। यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा बॉन्ड्स में। इंटरेस्ट ऑप्शन, अगेन ऑप्शंस अवेलेबल है मंथली, क्वार्टरली, एनुअली या क्यूमुलेटिव सिमिलर टू बैंक एफडीज। सो जैसे मैंने बोला, होलसेल बॉन्ड्स या सेकेंडरी बॉन्ड मार्केट्स में कौन कौन प्लेयर्स है। बेसिकली मेजर जो प्लेयर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही बॉन्ड्स इशू हो रहे हैं। 70% उनका मार्केट शेयर है बॉन्ड मार्केट में आज भी, और प्राइवेट कॉर्पोरेट्स भी सेकेंडरी बॉन्ड्स इशू, मतलब बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं सेकेंडरी मार्केट्स में जो ट्रेड हो रहे हैं। इन्वेस्टर्स इसमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है, इंश्योरेंस कंपनीज है, म्यूचुअल फंड्स है, बैंक्स है, कॉर्पोरेट, बहुत बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके ट्रेजरीज वो ये बॉन्ड्स से मैनेज करते हैं। ट्रेडिंग लॉट साइज मिनिमम 5 करोड़ का था, लेकिन वो अभी जैसे मैंने बोला रिटेल पार्टिसिपेशन सेबी ने अभी अलाउ किया, और अभी होलसेल बॉन्ड्स में 10 लाख से भी रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड बॉन्ड्स आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू कि होलसेल बॉन्ड्स में अभी जो अवेलेबल है जिनका यील्ड 8.5 से करीब तकरीबन 9.5% है। ये यील्ड डिपेंडेंट होता है आपका टेन्योर के हिसाब से। अगर आपका टेन्योर 1 साल, 2 साल या 3 साल है तो आपका यील्ड कम रहेगा। अगर आप 5 साल, 8 साल या 10 साल के टेन्योर के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली आपका यील्ड 9% से ज्यादा आपको आज होलसेल बॉन्ड्स में मिलेगा, जहाँ पे टिकट साइज 10 लाख है। सो जस्ट टू स्टेट अ फ्यू स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड बॉन्ड्स, जो सिक्योर्ड बॉन्ड्स है, यूपी पावर कॉर्पोरेशन, मेघालय बॉन्ड्स है, राजस्थान या जोधपुर विद्युत बॉन्ड्स है, तमिलनाडु स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बॉन्ड्स है, ये सब होलसेल बॉन्ड्स है जिनकी फेस वैल्यू 10 लाख रुपए है। एक बॉन्ड की कीमत 10 लाख रुपए है और आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अमरावती बॉन्ड्स या आंध्रा बॉन्ड्स, ये एक ही स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड बॉन्ड्स है जो 2 लाख में भी अवेलेबल है। इसके लिए इसमें रिटेल पार्टिसिपेशन ज्यादा है और ये अवेलेबल इतना फ्रीली नहीं होता है। आपको अमरावती बॉन्ड्स या आंध्रा बॉन्ड चाहिए तो आपको वेट करना पड़ता है क्योंकि इसकी डिमांड बहुत हाई है। रिटेल बॉन्ड्स में अगर हम मेजर इश्यूज देखें तो कॉर्पोरेट कंपनीज जैसे टाटा है, L&T फाइनेंस है, महिंद्रा है, इनके रिटेल बॉन्ड्स अवेलेबल है जो और जो रेगुलरली ट्रेड होते हैं। सिक्योर्ड रिटेल बॉन्ड्स की अगर मैं बात करूँ जिसमें यील्ड 7.5% से 8.5% तक होता है, जस्ट टू स्टेट अ फ्यू सिक्योर्ड रिटेल बॉन्ड्स, टाटा कैपिटल बॉन्ड्स अवेलेबल है। सिक्योर्ड बॉन्ड्स में आधार हाउसिंग फाइनेंस के बॉन्ड्स अवेलेबल है, या IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स अवेलेबल है, या टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बॉन्ड्स अवेलेबल। ये कुछ सिक्योर्ड बॉन्ड्स है जिसमें आप 10,000 से लेके 1 लाख के रेंज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनका फेस वैल्यू कम है और छोटे लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैन आई रिक्वेस्ट 50 है।
One more aspect that I will like to share with you today. Aaj jo it has become the flavor of the season, aap bol sakte hai isko, covered bonds. जिसको MLDs या market linked debentures भी कहते हैं. मैं पूछना चाहूंगा कि आप में से कोई anybody has heard about covered bonds, MLDs के बारे में अगर किसी ने सुना है तो प्लीज चैट बॉक्स में yes टाइप कीजिए, अगर नहीं सुना है तो no टाइप कीजिए, तो मैं उसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे पाऊंगा. ओके, क्षितिज सर और मल्लिकार्जुन जी बोल रहे हैं नो, दीप्तेश बोल रहे हैं नो. ओके, सो बेसिकली कवर्ड बॉन्ड्स ये एक नया कंसेप्ट, कृष्णकांत सर इज ऑल्सो सेइंग नो. या ओके, सो बेसिकली थोड़ा मैं कवर्ड बॉन्ड्स के बारे में बताना चाहूंगा. इनको मार्केट लिंक डिबेंचर्स भी बोलते हैं, MLDs, जो बेसिकली माइक्रो कंपनीज या छोटे कंपनीज आज इशू कर रहे हैं. छोटे कंपनीज को, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को फाइनेंस रेज करने में दिक्कत हो रही थी. इसके लिए एक मॉडल ये सभी ने अलाउ किया है कि वो पैसा कैसे रिटेल इन्वेस्टर से रेज कर पाए. इसमें होता यह है कि जैसे बॉन्ड्स कोई इशू करता है तो सिर्फ इशूअर और जो बॉन्ड्स खरीदता है दो ही पार्टीज होते हैं. कवर्ड बॉन्ड्स में देयर इज अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व विच इज अ गारंटर. एक ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता है जिसके पास जो इश्यूअर है उनको कुछ सिक्योरिटी रखना पड़ता है. आज अगर इश्यूअर को 100 रुपए के बॉन्ड्स इशू करने हैं तो कवर्ड बॉन्ड्स में उनको 2x या 3x का सिक्योरिटी, लिक्विड सिक्योरिटी गारंटर के पास जमा करना पड़ता है और उसके बेसिस पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वो सिक्योरिटी के बेसिस पे उन बॉन्ड्स को अच्छा रेटिंग देती है. सो बेस्ड ऑन दैट लिक्विड सिक्योरिटी दैट इज बीन केप्ट विद द गारंटर, वो उस उन बॉन्ड्स को अच्छा रेटिंग मिलता है और इन्वेस्टर्स को एक कॉन्फिडेंस होता है कि इनकेस ये माइक्रो कंपनीज को कुछ हो गया तो वो सिक्योरिटीज जो गारंटर या ट्रस्टी के पास है वो लिक्विडेट करके उनका पैसा उनके पास आ जाएगा. So this is a mechanism which has been recently developed और छोटे companies आज इसको बहुत extensively use कर रहे हैं और मैं थोड़ा सा data इसके बारे में आपसे share करना चाहूँगा covered bonds के बारे में. So as I said, this is I hope this screen is visible. ये एक नया financial product है और just to share some data, 2019 में ये कवर्ड बॉन्ड्स का पैटर्न जो सेबी ने अप्रूव किया था वो शुरू हुआ और अगर आप देखेंगे तो 19 में 25 करोड़ का जो इश्यूएंस था कवर्ड बॉन्ड्स का, वो 21 में 2218 करोड़ कवर्ड बॉन्ड्स इशू हुए हैं और 9 एंटिटीज उसमें आए थे. अप्रैल मई तक का जो डेटा हमारे पास है जो है जिसमें तीन कंपनीज नए आए हुए हैं और 225 करोड़ के कवर बॉन्ड्स अप्रैल मई में सिर्फ इशू हुए हैं. सो अगर एसेट वाइज आप देखें तो गोल्ड कंपनीज है, व्हीकल लोन कंपनीज है, स्मॉल फाइनेंस कंपनीज है, माइक्रो कंपनीज है, ये बेसिकली जो छोटे कंपनीज है जिनको कैपिटल रेज करना या डेट रेज करना डिफिकल्ट हो रहा था उनके लिए ये मैकेनिज्म कवर्ड बॉन्ड्स का या मार्केट लिंक डिबेंचर्स जिसको बोलते हैं वो आज डिराइव किया है. एंड A lot of people are finding it attractive because इसमें yields तकरीबन 9% से 11% के range में है. So बहुत अच्छे yields इसमें मिल रहे हैं, security एक अच्छी मिल रही है, companies rating agencies इसको अच्छी तरह से rate करिए because 2x 3x तक इस पे securities ये companies रख रही है. So it is now getting good acceptance in the market. कवर्ड बॉन्ड्स का सम कवर्ड बॉन्ड्स विच अभी मार्केट्स में अवेलेबल है जो मैं आपसे शेयर करूंगा. इफ यू कैन सी द नेम ऑन द स्क्रीन, MAS फाइनेंशियल, मुथूट माइक्रो फाइनेंस, स्पंदन स्फूर्ति, आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, लेंडिंग कार्ड, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, ये सब छोटी कंपनीज है या माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है जो कवर्ड बॉन्ड्स MLDs ऑफर कर रही है. इफ यू कैन सी द नेचर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, दीज आर ऑल सिक्योर्ड बॉन्ड्स और जो yields offer कर रही है anywhere in the range of 8.8% to 11%, 11.5% है. इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि फेस वैल्यूज जो है बॉन्ड्स अवेलेबल है वो 1 लाख से लेके 10 लाख तक बॉन्ड्स अवेलेबल है और मैच्योरिटी पे ही इनका इंटरेस्ट आपको मिलता है. टेन्योर अगर आप देख सकते हैं तो ये छोटे टेन्योर के लिए है, मतलब 2 साल या 3 साल के टेन्योर के लिए अवेलेबल है और काफी अच्छी yield आपको ऑफर कर रहे हैं.
रेटिंग एजेंसीज का, जैसे मैंने आपको बताया कि रेटिंग एजेंसीज ने सिर्फ ये बॉन्ड्स को, दिस रेटिंग इज फॉर द बॉन्ड्स एंड नॉट फॉर द कंपनीज, ये कवर्ड बॉन्ड्स को रेटिंग जो दिया गया है वो ए प्लस ए ए माइनस रेटिंग है. सो दिस इज द न्यू फ्लेवर ऑफ द सीजन. और इफ यू आस्क मी, डेफिनेटली कवर्ड बॉन्ड्स या MLDs शुड बी अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो. जब यहाँ पोर्टफोलियो डिजाइन करेंगे फिक्स्ड इनकम या बॉन्ड्स का, तो उसमें डाइवर्सिफाई करें जिसमें गवर्नमेंट गारंटीड बॉन्ड्स भी हो और MLDs भी आप शामिल करें. तो दैट इज ऑल आई वॉन्टेड टू शेयर विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड इनकम अपॉर्चुनिटीज एज टीम मनी मैटर्स. बॉन्ड्स आज एक काफी नया टॉपिक है जो 2-3 साल से रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हुआ है. सो कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले प्लीज टॉक टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर इज ऑल आई वॉन्ट टू से, क्योंकि आपको आपके टेन्योर के हिसाब से, आपका रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको बॉन्ड चूज करना है. अगर आप सेकेंडरी बॉन्ड मार्केट्स में अगर आप एक्सचेंज पे देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे बॉन्ड्स लिस्टेड हैं, लेकिन उसमें से कौन से बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से बॉन्ड्स में नहीं करना चाहिए, उसकी आपका अगर नॉलेज नहीं है तो प्लीज टॉक टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स. आई एम ओपन टू क्वेश्चंस एंड वी हैव गौतम एंड मी बोथ हैव डन विथ आवर प्रेजेंटेशन. किसी को भी बॉन्ड्स के बारे में या इक्विटी के बारे में कोई भी सवाल है, प्लीज प्लीज गो अहेड एंड आस्क. Till I get questions from all of you. Yeah, Omkar, you have to. Okay. Yes, I just want to know that how to find out the bonds in stock exchange. Omkar ji, जैसे मैंने बोला कि जैसे stocks listed है NSE पे, वैसे ही bonds भी listed है. प्रॉब्लम इज कि वहाँ पे आपको बॉन्ड का नाम पूरी तरह से नहीं दिखता, आपको ISIN कोड ही दिखता है. सो आपको अगर बॉन्ड्स का स्टडी करना है तो वो ISIN कोड्स को थोड़ा आपको गूगल आउट करना पड़ेगा और फिर आपको वो बॉन्ड्स के बारे में स्टडी करना पड़ेगा. और कॉल अमोल. यस यस, यू कैन टॉक टू मी, डेफिनेटली वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प. सो रिटेल लोगों के लिए अभी भी एक्सचेंज, जैसे स्टॉक्स हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक्सचेंज पे, वैसे बॉन्ड्स को आइडेंटिफाई करना इतना इजी नहीं है आज स्टॉक मार्केट्स पे. दैट इज अ बिट ट्रिकी सिचुएशन राइट नाउ, बट एक्सचेंज इज डेफिनेटली वर्किंग ऑन इट कि जिस हिसाब से रिटेल पार्टिसिपेशन उसमें बढ़े. थैंक यू. To add to this point, Omkar, Amol keeps on sending a lot of updates. कौन से bond, as I said, bonds are available for a very limited period. बहुत छोटी विंडो होती है. हम कभी कभी as money matters we buy some bonds in bulk from HNI or ultra HNIs, or we do these kind of off market deals. So if anyone is interested, please share your numbers in on private with us. We have shared. Amol, can you just share the last slides? Sure. They have our numbers. So what we'll do is we've made a group specifically for communicating about updates for our clients with respect to bonds and with respect to the updates on Focus 20. Matlab, how is the fund performing? वी ऑल्सो क्रिएटेड अ कंपेरिजन. मतलब हमने एक इनिशिएटिव लिया था, हमने एक फैमिली पोर्टफोलियो क्रिएट किया है ऑन 14th of November 2020, कि बहुत सारे क्लाइंट का ये डिमांड था तो हमने वैसा क्रिएट किया है लास्ट मोहरत ट्रेडिंग के समय. एंड वी कीप ऑन शेयरिंग एवरी मंथली अपडेट कि वो कैसा जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू बॉन्ड. अगर कोई बॉन्ड अवेलेबल होता है, इट्स अवेलेबल ओनली फॉर 7 days और प्रॉब्ली इवन 3-4 days. So Amol will send you updates on that. So if you like those updates to come, we will not spam you. मतलब we'll not send you unnecessary. अगर आपने हमको अभी तक देखा होगा तो हम unnecessarily कोई भी messages नहीं भेजते. We will send you specific messages. Both our numbers are flashing on your screen. You can either save them. Those are also on WhatsApp. We can, and you can please put your name and number. So we will add that number in that list. And whenever we have bonds available, we'll share with you. Or and आपको Focus 20 के बारे में जो monthly performance updates हैं, we will also share that with you. So if you're interested, please be a part of that community as well. For Focus 20, you are showing individual update or as a whole the Focus 20 update? Good question. So बात यह है ना ओंकार कि आप अगर फोकस 20 में हो तो आपका पोर्टफोलियो तो आपको दिख जाएगा, बट देर आर अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स और लॉट ऑफ वेबिनार्स दैट वी डू ऑन अ मंथली बेसिस. सो देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर थिंकिंग कि आना है कि नहीं आना है फोकस 20 में. सो फॉर देम टू टेक अन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, वी हैव मेड कि हमको कुछ हाइड नहीं करना है आपसे.
तो हमने ये, सो इट इज अमोल्स मदर्स पोर्टफोलियो दैट वी हैव क्रिएटेड उनका, उसका हम गोल्ड के साथ कंपैरिजन, मतलब हमने क्या किया है, इमेजिन करिए कि हमने एक ही दिन में 3 लाख फोकस 20 में डाले, 3 लाख गोल्ड में डाले और 3 लाख एफडी में डाला, उसका आज क्या कंपैरिजन है। एक कंपैरेटिव स्टडी ऑन अ मंथली बेसिस इज सेंड टू ऑल आर प्लान, आई मीन ऑल द पीपल हु आर थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग इन फोकस 20। तो दैट इज अ परफॉर्मेंस अपडेट दैट वी गिव ऑन अ मंथली बेसिस, तो उसकी बात की जा रही है। या उसमें कुछ की पॉइंट्स होते हैं कि जैसे अभी ये पोर्टफोलियो में देयर वाज अ मल्टी बैगर, तो एक एक ऐसा अपडेट कि दिस मंथ वी हैड अ मल्टी बैगर, कंपनी का नाम, बिकॉज़ वी डोंट वांट टू हाइड दैट फ्रॉम एनीबॉडी, दैट्स इट। ओके, जस्ट यू हैव मेंशन अबाउट गोल्ड, सो गोल्ड विल नॉट बी द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस इन फ्यूचर। नहीं देखो कैसा है, मैं कितना भी बोलूंगा ना, पीपल आर गोइंग टू बाय गोल्ड, आई एम नॉट अगेंस्ट बाइंग गोल्ड, आई एम जस्ट पॉइंट, द पॉइंट हियर इज दैट lot of people only buy gold, they don't even take that much component in equity, so just to show them that aap gold mein hote to aapka itna hi paisa badhta ya niche hota ya whatever is a comparative study. I am not saying all asset classes are good, depending ki ha aap un cheezon mein kitna invest kar rahe ho, har ek cheez ka zyada portfolio mein hona bhi bahut dangerous hai, that's my point. Thank you for explanation. Welcome, Omkar. Omkar, if you are asking for our view on gold, so as money yes. matters, we are bullish on gold. अगले 2-3 साल में we are expecting gold to trend in a better way. So we are definitely bullish on gold as of now. But जैसे गौतम ने कहा कि you need to be diversified. You cannot put just everything into gold. You need to be in equity also. You need to be in fixed income also, and you need to be in gold also. Just one point, that gold ETF is better, or there are some gold bonds issued by the government, that is sovereign bond. Good question. So basically sovereign gold bonds are better if you have a longer horizon, kyunki usme lock in period hai. These are basically 8 year bonds where you get 2.5% interest per annum, but 5 years lock in is there. Definitely these are tradable bonds, aap inko market mein bech bhi sakte hai, but gold ETF liquid bahut zyada hai, so if you are thinking about trading in gold ETF is a better option, but agar aap long term perspective se soch rahe hain to gold sovereign bonds is a better option. Okay, but the interest what we are getting in sovereign bond, that will be credited directly to the bank account, right? Yes, whichever bank account is linked to your demat. Okay, so that will be passed on by government on yearly basis. Half yearly basis, it is paid on half yearly basis. And whether it is attract TDS? Yes, the interest is taxable. The TDS is not deducted, but it yes. is taxable as per your slab. Okay, but TDS is not deducted. TDS is not deductible. Okay, fine. Sure, thank you. Till people have any questions, I also want to talk ki we are doing a lot of initiatives with respect to educative webinars. Some people have been a part of this. We also are wanting to tell you ki hum agle hafte se we are doing a special, we are very excited about it. Bahut research chal raha hai from all my team members. The new team member Charmi, jisko aap agar dekh rahe ho pichle 2 webinars se, with her knowledge we are coming up with a interactive fun webinar on finance or investing for kids, children and teenagers. So I request all of you, please be a part of this community. Agar aapke bacche 9 saal se 14 saal ke beech mein hai ya aapke aas paas aapke relatives, aapke dost unke bacche hain, today was a webinar where we wanted to showcase money matters ke solutions ya products. But those webinars are completely educational and awareness programs. Lot of learnings. मतलब मेरी कोशिश ये होगी कि हमारी कोशिश ये है कि हमको जो education, जब मैं 9 साल का था अगर मुझे पता होता कि investing ऐसा करना है तब मैं शायद तब से portfolio create करता, to be very honest. So we are doing a lot of educational programs. स्पेसिफिकली उन प्रोग्राम्स में कुछ भी सेलिंग नहीं होगा, हम कोई भी प्रोडक्ट की बात उस समय नहीं करेंगे. अगर तो आज ही के वेबिनार में हम हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे या हमारे सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, पर वो सारे वेबिनार्स पे वी विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस. आई अर्ज यू कि आपके बच्चे हैं, आपके दोस्तों के बच्चे, रिलेटिव्स के बच्चे हैं, प्लीज पार्टिसिपेट विथ लॉट ऑफ नंबर्स.
and it will be a very fun session. I can share that. And participate with your kid around. So he'll definitely gain some knowledge about it. Thank you, Shitij. It's a very definitely a good initiative. Deeptesh, I request you to please share your number with us. So we'll add you in our group and we'll share all the updates with you in the future. Okay. Guys, thank you so much. Deeptesh is great. Thank you, Deeptesh. I will put that number in our list of communication with respect to our webinars. Again, thank you for your time. Really, really appreciate. बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों से हमें बातें करने का आपने मौका दिया. For investing in equities, please remember money matters and see you in the next webinar. Thank you so much, guys. Have a nice evening. And also for fixed income. Yeah, and also for fixed income. Sure. Sorry about that. Okay, sure. Thank you so much. Have a good evening. Cheers, guys. Yeah. Bye. Bye.